मैं आज की इस वीडियो में मीर अमन दहलवी की अदबी खिदमात के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मीर अमन दहलवी उर्दू के एक मशहूर दास्तान गो हैं। उन्होंने एक दास्तान किस्सा चार दरवेश का उर्दू में तर्जमा किया है, लेकिन तर्जमा करते वक्त मीर अमन ने बहुत से बातें बदल दी हैं। उन्होंने चंद तब्दीलियाँ भी लाई हैं। इस तरह यह तर्जमा असल से बहुत हद तक बदल गया है, मतलब तर्जमा करने के बाद जो है इसमें बहुत सारी तब्दीली लाई गई है, जिसकी वजह से असल से बिल्कुल बदल गया है। इस दास्तान की मुताले से पता चलता है कि मीर अमन को दास्तान गोई पर कुदरत हासिल थी। उन्होंने आम दास्तानों की तरह ये दास्तान भी लिखी है, लेकिन आम दास्तानों में जो तवालत पाई जाती है, कहने का मतलब है जो बनावट पाई जाती है, वो अलग है। मीर अमन ने इससे बचने की कोशिश की है। दास्तान के किस्से आमतौर पर एक दूसरे में ऐसे पियुष होते हैं कि इनको एक दूसरे से अलग करना बिल्कुल मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब है कि इस दास्तान किस्सा चार दरवेश में कई छोटी छोटी कहानी हैं या फिर छोटे छोटे किस्से हैं। ये किस्से इस तरह से एक दूसरे से मिले हुए हैं कि इसको एक दूसरे से अलग करना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। इसके अलावा कारी भी मुख्तलिफ किस्सों में उलझ जाता है। मीर अमन ने दास्तान की इस खराबी को अपनी दास्तान से दूर कर दिया है। आम दास्तानों की तरह इनकी दास्तान हर तरह की खराबियों से दूर है। ज़बान भी रोज़मर्रा वाली और आम फहम, जिससे दास्तान का लुत्फ बढ़ गया है। मतलब इस तर्जमा करते वक्त इस दास्तान में बिल्कुल आम फहम ज़बान लफ्ज इस्तेमाल किया है, जिससे दास्तान का लुत्फ पढ़ने का मज़ा बढ़ गया है। गर्ज ये कहा जा सकता है कि मीर अमन दहलवी के अंदर एक अच्छे दास्तान गो की तमाम खूबियाँ मौजूद थे। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया मीर अमन दहलवी की अदबी खिदमात के बारे में, तो बिल्कुल मुख्तसर में बताया। अगर इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। और उर्दू के ताल्लुक से बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज पर, तो आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी किसी इनवान पे टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हम लोग उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की नई नई वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहे।